आज के प्लान का साइज है 20 फीट x 40 फीट। इसका स्क्वायर फीट है 800 स्क्वायर फीट। ये 88 गज में बना हुआ है। इसका बिल्डिंग कॉस्ट आ जाएगा अप्रोक्स 8 लाख पर यूनिट। दोस्तों, इस प्लान में सबसे पहले हम लोग ग्राउंड फ्लोर का डायमेंशन करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राउंड फ्लोर के प्लान के डायमेंशन से। ये फ्रंट साइड में रोड है, यहाँ मेन गेट दिया हुआ है। एक मेन गेट ग्राउंड फ्लोर के लिए डायरेक्ट यहाँ से दिया हुआ है, और एक ग्राउंड फ्लोर और अपर फ्लोर दोनों के लिए यहाँ स्टेयर होकर के दिया गया है। हम लोग इस मेन गेट से जब इन करेंगे तो ये सबसे पहले स्टेयर एरिया आ जाएगा। इसका डायमेंशन है 13 फीट 11 इंच x 7 फीट 6 इंच। इस साइड का डायमेंशन 13 फीट 11 इंच और इस साइड का डायमेंशन 7 फीट 6 इंच। एक डायमेंशन यहाँ दिया गया है 4 फीट का, एक डायमेंशन यहाँ दिया गया है 3 फीट 6 इंच लैंडिंग का। इस स्टेयर में यहाँ एक विंडो लगा हुआ है, ये डोर अंदर जाने के लिए है। इस स्टेयर में यहाँ से अप होना स्टार्ट होंगे, फर्स्ट लैंडिंग आ जाएगा 8 फीट हाइट पे। इसी लैंडिंग के नीचे में यहाँ पे मेन गेट लगा हुआ है। इसके बाद और अप होंगे तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाएंगे। हम लोग इस मेन गेट से जब इन करेंगे तो ये ग्राउंड फ्लोर में सीधे गेस्ट रूम में आ जाएंगे। इसका डायमेंशन है 10 फीट x 11 फीट 3 इंच। इस साइड का डायमेंशन 10 फीट और इस साइड का डायमेंशन 11 फीट 3 इंच। इस गेस्ट रूम में एक विंडो यहाँ पे दिया गया है और एक विंडो इस साइड में दिया गया है। ये डोर है अंदर जाने के लिए। हम लोग इस स्टेयर एरिया से इस गेट से इन करेंगे या फिर गेस्ट रूम से इस गेट से हम लोग इन करेंगे तो यहाँ पे डाइनिंग स्पेस आ जाएगा। इसका डायमेंशन है 12 फीट 5 इंच x 12 फीट 9 इंच। इस साइड का डायमेंशन 12 फीट 9 इंच और इस साइड का डायमेंशन 12 फीट 5 इंच। एक डायमेंशन यहाँ दिया गया है 16 फीट 4 इंच का, एक डायमेंशन यहाँ दिया गया है 4 फीट 10 इंच। इस डाइनिंग स्पेस में यहाँ पे एक वॉश बेसिन दिया हुआ है, एक विंडो लगा हुआ है इस साइड में। इस डाइनिंग स्पेस से हम लोग इस साइड आएंगे तो यहाँ मैंने एक बेडरूम दिया है। इसका डायमेंशन है 12 फीट x 9 फीट 4 इंच। इस साइड का डायमेंशन 9 फीट 4 इंच और इस साइड का डायमेंशन 12 फीट। इस बेडरूम में एक विंडो यहाँ पे लगा हुआ है और एक विंडो यहाँ पे लगा हुआ है। ये डोर है इस बेडरूम का। इस डाइनिंग स्पेस से हम लोग इस साइड आएंगे तो यहाँ मैंने एक और बेडरूम दिया है जिसका डायमेंशन है 12 फीट x 9 फीट 5 इंच। इस साइड का डायमेंशन 12 फीट और इस साइड का डायमेंशन 9 फीट 5 इंच। इस बेडरूम में एक विंडो इस साइड में दिया गया है और एक विंडो इस साइड में दिया गया है। ये डोर है इस बेडरूम का। इस डाइनिंग स्पेस के साथ हमने यहाँ पे किचन दिया है जिसका डायमेंशन है 8 फीट 11 इंच x 6 फीट 5 इंच। इस साइड का डायमेंशन 8 फीट 11 इंच और इस साइड का डायमेंशन 6 फीट 5 इंच। इस किचन में एक विंडो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ गैस स्टोव रखा हुआ है और यहाँ किचन सिंक लगा हुआ है। ये ओपन डोर है इस किचन का। इस डाइनिंग स्पेस के साथ हमने यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम दिया है जिसका डायमेंशन है 7 फीट x 6 फीट। इस साइड का डायमेंशन 7 फीट और इस साइड का डायमेंशन 6 फीट। इस बाथरूम में यहाँ पे वॉश बेसिन दिया हुआ है, यहाँ शावर पैनल दिया हुआ है, यहाँ पे टॉयलेट सीट लगा हुआ है और ये वेंटिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे। ये डोर है इस बाथरूम का। इस प्लान में सभी वाल 5 इंच के दिए गए हैं। ये 5 इंच है। दोस्तों, ये था ग्राउंड फ्लोर का प्लान। अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो फर्स्ट फ्लोर में भी सारा डायमेंशन सेम ही रहेगा, सभी वाल सेम जगह में रहेंगे, सभी रूम सेम जगह में रहेंगे। ग्राउंड फ्लोर का प्लान ही फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक रहेगा। दोस्तों, इस प्लान में आपको मिलता है यहाँ पे सेपरेट स्टेयर, यहाँ एक गेस्ट रूम मिल जाता है, यहाँ पे डाइनिंग स्पेस मिल जाता है बड़ा सा, यहाँ बेडरूम मिल जाता है, एक और बेडरूम यहाँ मिल जाता है, ये किचन मिल जाता है आपको और एक कॉमन बाथरूम मिलता है। दोस्तों, ये था हमारा 20 फीट x 40 फीट का हाउस प्लान। उम्मीद है आपको ये प्लान भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।